हेलो एवरीवन इंडियन एक्सप्रेस के एलेवेंथ में एक न्यूज़पेपर में एक्सप्लेन सेक्शन तो बहुत ही बर्बाद आया था रिगार्डिंग केसेस एंड ऑल बट यहाँ पे एडिटोरियल में कुछ कंसेप्ट बहुत अच्छे आए थे मैं आपको केवल कंसेप्ट बता रही हूँ सो देर इज़ अ कंसेप्ट ऑफ राइट टू कैंपेन एक्चुअली में क्या हुआ है कि अभी अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर ऑफ डेली उनका uh, अरेस्ट हुआ तो उसकी वजह से देखो यहाँ पे कुछ लाइन्स लिखी हैं ये लाइन्स आप एज एट इज़ चाहो तो आपके मेंस पेपर में यूज़ कर सकते हैं आप Uh, that arrest casted a shadow over the largest democratic exercise in the world. ठीक है ना elections चल रहे हैं तो इसकी वजह से इसको कहा जा रहा है कि uh, it, uh, cast a shadow और uh, काफ़ी apprehensions थे कि, कि किस तरीके से uh, मतलब ऐसे time पे investigative agencies का use करके और अपने स्कोर settle किए जा रहे हैं यानी एक तरीके से revenge लिया जा रहा है और uh, मतलब agencies का use किया जा रहा है तो अब supreme court ने क्या किया कि एक uh, बहुत important स्टेप लिया इस डैमेज को वापस अंडू करने के लिए और इसके लिए उन्होंने केजरीवाल को इंटरिम बेल दे दी ठीक है और कब तक की बेल दी जब तक वोटिंग खत्म नहीं हो जाती है तो हालांकि कोर्ट ने यह भी क्लियर किया है कि ये जो बेल दी जा रही है ये उनके गिल्टी एनोसेंस को कुछ भी जस्टिफाई नहीं करती है आ, लेकिन जैसे ईडी का क्लेम था इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का कि अगर आप उनको इंटरिम बेल दोगे तो वो दो तरीके के सिटीजन्स की क्लासेस को बना देगा और कि मतलब पॉलिटिशियंस को कैसे प्रिवलेज दिया जाता है और उसकी जगह अगर कोई फार्मर या बिजनेस होता तो उनको ऐसा बेनिफिट नहीं दिया जाता और ये भी कहा इन्होंने कि राइट टू कैंपेन जो है इलेक्शन में वो एग्जिस्ट नहीं करता ये ईडी का कहना था तो उसका एक्चुअली में कोर्ट पे कोई खास फर्क नहीं पड़ा है और इन्होंने कोर्ट uh, का ये कहना था कि इसमें इस केस में, इस में जो जनरल इलेक्शन से दे आर द uh, यहाँ पे लिखा है वीजा वाइवा दिस इज नॉट वीजा वाइवा दिस इज विस वाइवा टू द डेमोक्रेसी ओके तो विस वाइव क्या होता है एक्चुअली में ये uh, होता है कि लाइफ uh, देने वाली चीज तो डेमोक्रेसी को लाइफ देने वाली चीज एक लिविंग एनर्जी देने वाली चीज है जनरल इलेक्शन तो ऐसा कोर्ट का कहना था तो अगर डायरेक्ट ये स्टेटमेंट आता है दैट द जनरल इलेक्शन आर विस वीवर टूअर डेमोक्रेसी तो आपको इस चीज को समझना होगा कि ये क्यों कहा जा रहा है ओके okay? और इसीलिए कोर्ट ने कहा है कि जो इलेक्टेड ऑफिशियल है जिसको यहाँ अरेस्ट किया गया है यानी चीफ मिनिस्टर वो ना केवल एक इंडिविजुअल है बल्कि एक पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव भी हैं इसीलिए उनका कैंपेन में पार्टिसिपेट करना बहुत इसेंशियल पार्ट है ऑफ अ फेयर इलेक्शन ओके तो आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट क्लियर होगा एक दो कंसेप्ट और हैं इस न्यूज़पेपर में जो हम अलग से टॉपिक में डील करेंगे तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और वो वीडियोज़ भी ज़रूर देखें थैंक यू